हेलो, वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। ये क्वेश्चन भी सिचुएशन एनालिसिस का है, देखते हैं। और ये क्या है क्वेश्चन? यही क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया था, 6 ABCDEF कई परीक्षाओं बैठे, सी का या एफ का प्राप्तांक अधिकतम है। जब भी सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है तो ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है, एफ का प्राप्तांक जब अधिकतम होता है तो बी का न्यूनतम होता है। यानी बी का न्यूनतम होने की कंडीशंस है कि जब बी का न्यूनतम होगा तो एफ का अधिकतम होगा। तो हम ये लिखा है यहाँ पे कि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो। यहाँ पे आखिरी में लिखा है कि जब बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो, इसका मतलब है कि बी का प्राप्तांक न्यूनतम तभी होगा जब एफ का अधिकतम होगा, है ना? लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये केस लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, और एफ का अधिकतम होगा तो एफ फर्स्ट पे होगा और बी क्या होगा? न्यूनतम होगा, है ना? ये दो बातें स्पष्ट हो गई। उसके बाद लिखा है डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, यानी डी ए से अधिक है, और वे निकट प्रतिस्पर्धी है, यानी इनके बीच में कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, तो यह तो होगा ही होगा क्योंकि बी न्यूनतम है। और लिखा है कि सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, तो सी कहीं इधर हो सकता है। अब ये 3 और 2 5 और 1 6 ये लोग हैं। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, बाकी इसमें और नहीं लिखा है कि सी का स्थान क्या होगा। अब पूछा जा रहा है कि सी का स्थान क्या होगा, तो या तो ये ऐसा हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सी डी ए हो सकता है, या यहाँ पे कोई और हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि सी यहाँ पे हो जाए, डी यहाँ पे हो जाए और ए यहाँ पे हो जाए। तो सी का पोजीशन या तो सेकेंड हो सकता है या थर्ड हो सकता है, इसके नीचे नहीं हो सकता क्योंकि डी और ए से दोनों से ज्यादा सी है। तो सी कैन बी इधर सेकेंड और कैन बी थर्ड, ये दो पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें इस चैनल को। हम आपको फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।